तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जारी जंग में अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने एक ही झटके में तालिबान के करीब 600 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके बाद तालिबान बौखला गया है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अफगान से बेशक अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई है, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में तालिबान को बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार हवाई हमले कर रहा है। अमेरिका ने दोनों मुल्कों के बीच जारी जंग में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने एक ही झटके में तालिबान के करीब 600 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि करीब 300 आतंकी घायल भी हुए हैं। वहीं अमेरिका की कार्रवाई से तालिबान बौखला गया है। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान मामलों में किसी तरह के हस्तक्षेप करने की चेतावनी दी है। वहीं अफगानिस्तानी सेना ने भी पिछले 24 घंटे के दौरान तालिबान के 570 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तालिबान ने कुर्ता के सारी हदों को पार कर दिया है। तालिबानी लड़ाकों ने सिर्फ एक लड़की की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने हुए थे। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से वहां फिर से तालिबान का आतंक बढ़ गया है। तालिबान ने यहां क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तालिबानी आतंकियों ने एक लड़की की टाइट कपड़े पहनने पर गोली मारकर हत्या कर दी। दावा किया जा रहा है कि उसके साथ कोई पुरुष नहीं था। घटना उत्तरी बल्ख प्रांत के समरकंदियान के एक गाँव की है, जिस पर तालिबानियों का कब्जा है। बल्ख के पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 21 साल की इस लड़की का नाम नाजनीन था। पुलिस ने बताया कि लड़की ने बुर्का पहना हुआ था, हालांकि तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आपको बता दें, लड़की अपने घर से बल्ख की राजधानी मजार शरीफ जा रही थी, जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।